कहाँ जाना है? हेलो, वेलकम टू ऑल माय न्यू व्लॉग। मैं अपने घर पर आई हुई हूँ, तो मैं अभी मम्मी के लिए कुछ जूस बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने उनको लिक्विड डाइट ज़्यादा सजेस्ट किया है। ज़्यादा मतलब लिक्विड वाला दलिया, खिचड़ी दूध में डालकर लिक्विड जो होता है अपना। एंड अभी मैं जूस बना रही हूँ। जूस में मैंने मम्मी के लिए अनार ले लिया है, मौसमी ले लिया है, और जो एक किन्नू आते हैं ना, जो संतरा टाइप के रहते हैं, बिल्कुल सेम संतरा जैसे रहते हैं, लेकिन नाम ही उनका किन्नू होता है। वो थोड़ा साइज़ में भी बड़े होते हैं, टेस्ट भी थोड़ा सा हल्का अलग होता है, नहीं तो संतरे जैसा ही होता है। तो मैंने उनके आधा आधा पार्ट, मतलब तीनों में से आधा आधा ले लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के उनके लिए जूस बना रही हूँ। और इस ब्लेंडर की हेल्प से बहुत ही जल्दी जूस बन जाता है। बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे ये ब्लेंडर। और अभी जूस ब्लेंड हो गया है, तो मैं इसको, ये अपनी मोटी वाली छलनी है ना, बड़ी सी छलनी है, इसमें मैं जूस को निकाल के छान लेती हूँ, ताकि इसका जो गुदा गुदा है ना, वो सब छलनी के ऊपर ही रह जाए, और जूस जो है वो आराम से ग्लास में आ जाए, ताकि पीने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि वो अपन मोटी छलनी से छानते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, थोड़ा हल्का सा गूदा निकल जाता है, इसके छिलके वाला पार्ट जो बारीक होता है ना, वो निकल के चले जाते हैं, तो वो पीने में ना मुँह में अच्छा नहीं लगता है, और ये क्या पानी पानी रह जाता है, तो ये पीने में गड़गड़ आराम से पिया जा सकता है। मम्मी को ये बहुत अच्छा लगा है। और अभी मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। नहीं देखिए, ये मम्मी के लिए लेके जा रही हूँ। देखिए मम्मी कितनी कमज़ोर हो गई हैं। कहाँ जाना है? सही लग रहा हूँ। मम्मी को डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आधा आधा घंटे बाद तो पानी, एंड दो दो घंटे बाद कुछ खाने के लिए देते रहें। मम्मी का यह है कि 2-3 चम्मच ही खाती हैं वो खाने में। और अभी मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए, ये कुछ कचरे वाली गाड़ी आ रही थी, तो मम्मी के क्या लूज मोशन हो गए हैं, तो उनके डायपर लगा दिए थे, तो उनको डायपरों को फेंक देते हैं। उनको लूज मोशन इतना ज़्यादा हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब दिन में उनका गिनती का वो नहीं कर सकते थे कि कितनी बार जा रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा था। और वीकनेस भी आने लग गई थी, उनको चक्कर भी आ रहे थे, तो फिर डायपर लाना पड़ा। डायपर से क्या है कि इतना चक्कर नहीं लगता था, और उनको थोड़ा रिलीफ भी रहता था। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए, फिर टैबलेट्स भी लाए, तो उनको थोड़ा ठीक रहा। और अभी यहाँ मैं किचन में, ये ना जो अपने पानी वाले और जो नली होती हैं वो ब्लॉक हो गई थी, तो बस मैं जो ये अपनी नॉर्मल नली होती है ना, बाहर जो अपन पानी के लिए यूज़ करते हैं, बस उसको मैं अंदर डाल के उसको साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो कचरा है ना प्रेस से उस दूसरी तरफ सरक सरक के चला जाए। एक बार और कर दूं। और इतना ज़्यादा ब्लॉक हो गया था किचन में, जैसे हम लोग सिंक में बर्तन मांज रहे थे ना, तो वो सारा पानी बाहर निकल के आ रहा था, या पूरा मतलब किचन में पानी पानी हो गया था, तो मुझे ये पाइप डालकर इसका काम करना ही पड़ा।
ये देखिए भाई के कितने बड़े बाल हो गए थे, तो मैंने छोटी बना दी उसकी। और अभी हम आ गए हैं मार्केट। मार्केट में किशन को कुछ काम था भाई, तो वो आया हुआ था। और आज इतनी भीड़ है कि गुरु पूर्णिमा थी तो पूरे भरतपुर में बहुत भीड़ थी। और जगह जगह मतलब पंडाल टाइप के लगे हुए हैं जहाँ जूस मिल रहा है, किसी मतलब जगह जगह पे किसी पे कचौड़ी मिल रही है, किसी पे कुछ फ्रूट्स हैं, किसी पे कुछ भी, मतलब सब तरह का जो जिससे जैसा बन पा रहा था वो सब दे रहे थे। तो जगह जगह से पंडाल टाइप का लगा हुआ था। तो और वैसे भी भरतपुर में आज गुरु पूर्णिमा की वजह से बहुत भीड़ थी, क्योंकि पूरे भरतपुर की जनता, मेला लग रहा है आज, मेला एक तरह से, काफी लोग परिक्रमा लगा रहे थे नंगे पैरों, तो इतनी सारी भीड़ थी। और सभी पंडालों पे मतलब डांस भी कर रहे थे लड़के लोग। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी डांस हो रहा है। और ये देखिए मम्मी के घर में मतलब एक छोटा सा चूहा था, तो मतलब पता नहीं बाथरूम में से कहाँ से आ गया था, तो वो मतलब रूमों में इधर से उधर घूम रहा था। तो हम लोग को कपड़ों की चिंता हो रही थी कि कपड़ों को काट देगा ये, तो इसको पकड़ने के लिए जाल लगा दिया था। तो फाइनली 2 दिन में जाके ये पकड़ में आया। यहाँ देखिए मंतवे खेल रहा है। जो आपका वो नहीं दिखेगा, माउस नहीं दिखेगा। अभी मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ, मतलब थोड़ा दूर जाके इसको खोल दूंगी नालियों की तरफ, ताकि ये भाग जाएगा। ये देखिए हम कड़ी पत्ते का पेड़ लगा रहे हैं यहाँ पे। हम तो क्या लगाएंगे इसमें? नीम का पत्ता, कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ते का पौधा। देखिए वो पत्ता होता है सब। हाँ। और उनका स्वाद अलग होता है। क्योंकि यहाँ पूरा पक्का है, तो यहाँ जो सीमेंट वाला जो पार्ट था ना, उसमें से थोड़ा सा कट करके, थोड़ा तोड़ के हम लोग नीचे गीली मिट्टी निकाल के और यहाँ कड़ी पत्ते का पेड़ लगा दे रहे हैं। और ये लग गया कड़ी पत्ते का पेड़। ये थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा था, तो इसके साइड से मैं थोड़ी एक डंडी सी लगा रही थी, जिससे क्या होगा इससे सपोर्ट मिलेगा और ये टेढ़ा भी नहीं जाएगा, एकदम सीधा जाएगा ऊपर। तो ये पेड़ टेढ़ा नहीं होके सीधा हो जाएगा।
तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच।